पंछियों को पर ले जाते हैं ऊपर, इंसानों को पर नहीं जाने देता ऊपर। पर मैं पढ़ाई में इतना तेज नहीं हूँ, पर मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, पर मुझसे नहीं होगा, पर इतना पैसा नहीं है हमारे पास, पर मैं छोटे शहर से हूँ, पर मुझे कोई समझता नहीं, पर और पर। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, बड़े मकाम पर पहुंचना है, तो अपने इस पर से ऊपर उठना होगा। थकते नहीं हो ये सारी बातें खुद से बोल बोल कर तुम? पर मैं पढ़ाई में इतना तेज नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, पर मुझसे नहीं होगा, पर इतना पैसा नहीं है। अरे थक जाओ, ये सब बोलना बंद कर दो। थक जाओ वही जिंदगी जीते जीते, तभी तो कुछ नया कुछ बड़ा करने की इच्छा होगी। लेकिन तुम नहीं थकते, उसी में खुश हो, वही खुश हो। बस दिखावे के लिए दुखी मत हुआ करो कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अरे क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने उस चीज को पाने की दिल से ख्वाहिश ही नहीं की, वैसी जिंदगी की तमन्ना ही नहीं की। बस पर लगा रखा है, या फिर एक झूठा सपना देख रखा है बहुत सारे पैसे कमाने का। दोस्त, पैसे कमाने का सपना देखने वाले पैसे नहीं कमा पाते। ज्यादा पैसे तो वो कमाते हैं जिनके सपने और ज्यादा बड़े होते हैं। अरे क्यों भूल जाते हो कि जिंदगी का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि वैसा जीवन जीना है जैसा तुम जीना चाहते हो। बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी अगर आप अपने पसंद का जीवन नहीं जी पाए, तो उन पैसों का कोई मतलब नहीं रहा। यही आजकल हो रहा है, इंसान पैसा कमाने की मशीन गया है, वो भूल गया है उसका असली उद्देश्य। दोस्त, पैसा एक जरिया है जो तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन याद रखना, जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई सपना नहीं होता, उसे दुनिया भर की दौलत भी मिल जाए तब भी वो गरीब ही रहेगा। मिले हुए पैसों को बर्बाद कर देगा और खुद को भी बर्बाद करेगा। इसीलिए तो इस दुनिया में किसी को भी यूं ही कुछ भी नहीं मिलता। याद रखना, बड़ा सोचो, दूर की सोचो। पैसा एक जरिया है, खुद ब खुद चला आएगा। तुम अपने सपने पूरे करने की कोशिश तो शुरू करो। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, पंछियों को पर ले जाते हैं ऊपर, इंसानों को पर नहीं जाने देता ऊपर। तो अपने इस पर को और अपने इन बहानों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते